Hi friends, again you are very most welcome on Unique Study with Ajay. दोस्तों इस चैनल के ऊपर नेट जरा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की क्लासेस चला रखा हूँ मैं. मेरा टारगेट है कि जून 2020 में जो जेफ का एग्जाम होगा उसमें एक अपना अच्छा स्कोर करें, एक अच्छा हाई स्कोर करें. उसके लिए आपको मेरी ये क्लासेस ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं यहाँ पर बिल्कुल एक सही कंटेंट बताऊँगा आपको, सही मटेरियल बताऊँगा. मैं फर्स्ट पेपर के चैप्टर टोटल टीचिंग एप्टीट्यूड चला रखा हूँ प्रेजेंट टाइम में, जिसमें टोटल 14 चैप्टर बना चुका हूँ मैं. चैप्टर 15 है व्यक्तिगत विभिन्नता चैप्टर. देखो व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है, हर जगह सुनते रहते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता है. इसका मतलब होता है हर एक आदमी हर दूसरे आदमी से प्रत्येक आधार पर भिन्न है. हर एक आदमी हर दूसरे आदमी से या प्रत्येक दूसरे आदमी से हर एक एंगल से भिन्न है. कुछ ना कुछ ऐसा कारण होता है जिसकी वजह से एक आदमी दूसरे आदमी से भिन्न है, चाहे वो जुड़वा बच्चे हुए हों. बहुत सी बार क्या होता है कि दो जुड़वा बच्चे होते हैं जिनका फेस स्टाइल, जिनका कलर, उनकी हाइट बिल्कुल सेम रहती है, बट उनमें भी कुछ ना कुछ व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं. कुछ नहीं, बहुत सारी व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं. उनके मानसिक विभिन्नताएं हो सकती हैं, फिजिकली विभिन्नताएं हो सकती हैं, चारित्रिक विभिन्नताएं हो सकती हैं. मतलब हर एक आदमी हर दूसरे आदमी से किसी न किसी आधार पर भिन्न है, उसे ही बोलते हैं व्यक्तिगत भिन्नता. व्यक्तिगत भिन्नता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक डाल्टन ने किया था कि व्यक्तिगत विभिन्नता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी विद्वान गाल्टन ने किया था. व्यक्तिगत विभिन्नता का जनक कौन है इसका, मतलब इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गाल्टन ने किया था, इसका जनक कौन है? कैपलिन बॉन्ट कैटल है. इसके अलावा जेस्ट्रो और हेबिंग हॉस. ये कुछ विद्वान हैं. पहला है कैपलिन, दूसरा है बॉन्ट, तीसरा है कैटल, चौथा है जेस्ट्रो और पांचवा है हेबिंग हॉस. ये सारे के सारे जो पांचों हैं वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के जनक हैं. व्यक्तिगत विभिन्नता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गाल्टन ने किया था और इसका जनक कौन कौन है? कैपलिन है, बॉन्ट है, कैटल है, जेस्ट्रो और एबिंग हॉस है. उसके बाद क्या होता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार. देखो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार है जो अलग अलग आधार पर है. व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार. देखो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हो. मैं बता रखा हूँ कि टीचिंग एप्टीट्यूड को आंख बंद करके और आप खुद समझ के या खुद सोच के और उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हो. हर एक शब्द का अपना एक मतलब होता है जो आप खुद स्वयं जानते हो. व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार पहला होता है वंशानुक्रम के आधार पर. दूसरा होता है अर्जित
ज्ञान के आधार पर। एक होता है वंशानुक्रम के आधार पर और दूसरा होता है अर्जित ज्ञान के आधार पर। देखो वंशानुक्रम के आधार पर क्या होता है, वंशानुक्रम के आधार पर होता है जो जेनेटिक है, जो जेनेटिक है जिसमें हमारा खुद का कुछ भी योगदान नहीं है। जैसे वंशानुक्रम के आधार पर क्या होता है, जैसे बहुत से अपन एक ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के लेवल पर बात करते हैं, जो विश्वत रेखीय क्षेत्र होता है वहाँ के लोग होते हैं उनका क्या होता है, कलर थोड़ा अपने जैसा रहता है, गेहूं कलर का होता है। जो अफ्रीकन लोग हैं उनका कलर क्या है, उनका कलर बिल्कुल ब्लैक है। और जो ध्रुवीय क्षेत्रों में रहते हैं उनका कलर बिल्कुल सफ़ेद है। वो क्या है, वो एक वंशानुक्रम के आधार पर है। हम भी अपने समाज में बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स देख सकते हैं जिनमें वंशानुक्रम के लक्षण दिखते हैं, जैसे जिनके मम्मी पापा गोरे हैं उनके बच्चे बेटे बेटे भी गोरे हैं, फिर नहीं कह देते यार इसके माँ बाप ही गोरे थे, ये तो अपने आप ही गोरा होगा, सुंदर होगा। तो क्या होता है, ये वंशानुक्रम के आधार पर होता है, दादा फिर पापा फिर खुद के बेटे, इनमें एक सीरीज वाइज चलता है, वो बिल्कुल सीरीज वाइज चलता है, मतलब वंश के आधार पर चलता है वंशानुक्रम, वंश के आधार पर चलता है, इसमें हमारा कुछ भी योगदान नहीं है। हम ब्लैक कलर के पैदा हो गए तो इसमें हमारा कुछ भी योगदान नहीं है, हम इसमें कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर सकते, ये हमारे वंश के आधार पर हो गया। कुछ कुछ फैमिलीज में ऐसा होता है कि वंश के आधार पर इंटेलिजेंट पैदा होता है, नहीं कहते यार इनके तो वंश में पूरे पूरे साइंटिस्ट पैदा हो रहे हैं। एक एग्जाम्पल सुनते हैं हम, एग्जाम्पल दे भी देते हैं। तो क्या होता है, वंश के आधार पर होता है, किसके आधार पर, वंश के आधार पर, जिसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरा होता है अर्जित ज्ञान के आधार पर, अर्जित ज्ञान के आधार पर विभिन्नताएँ होती हैं। अब जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, अर्जित ज्ञान पर हर एक आदमी दूसरे आदमी से भिन्न है। जैसे मैं अपनी कंपेयर किसी दूसरे कैंडिडेट से करूँ, उसमें दूसरा ज्ञान है, मेरे में दूसरे सब ज्ञान है। एक एग्जाम्पल देखें, मेरे में ज्योग्राफी का ज्ञान है, मेरा जो रूममेट है उसमें पॉलिटिकल साइंस का ज्ञान है, एक मेरा दूसरा फ्रेंड है उसमें हिस्ट्री का ज्ञान है, एक मेरा तीसरा दोस्त है उसमें केमिस्ट्री का ज्ञान है। ये क्या है, ज्ञान के आधार पर इन्होंने अर्जित किया है उस ज्ञान को, अर्जित ज्ञान के आधार पर विभिन्नता है कि मेरे में ज्योग्राफी का टैलेंट है, किसी दूसरे में पॉलिटिकल साइंस का टैलेंट है, किसी में इकोनॉमिक्स का टैलेंट है। दूसरी बात, यदि कोई दूसरा कैंडिडेट भी ज्योग्राफी से ही है तो ज़रूरी नहीं है कि वो ज्योग्राफी से है तो मेरा और उसका ज्ञान बिल्कुल सेम हो, बिल्कुल भी ये श्योर नहीं है। यदि वो भी ज्योग्राफी से है और मैं भी ज्योग्राफी से हूँ तो भी हमारे ज्ञान में बहुत बहुत अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है, वो भी ज्योग्राफी से है और मैं भी ज्योग्राफी से हूँ तब भी। तो क्या होता है, अर्जित ज्ञान के आधार पर उसमें हमारा खुद का योगदान होता है। क्या होता है, उसमें हमारा खुद का योगदान होता है, हम अपने योगदान के द्वारा भिन्नताएँ पैदा करते हैं। जैसे मैंने मेरी फैमिली में भिन्नता पैदा किया कि मैं ज्योग्राफी में घुस गया और मेरे को थोड़ा ज्योग्राफी का नॉलेज है, मेरी सिस्टर में फिजिक्स का नॉलेज है, मेरे दूसरे भाई में केमिस्ट्री का नॉलेज है, एक में बायो का नॉलेज है, एक में बॉटनी का है, एक इको से है, इकोनॉमिक्स है। तो क्या हुआ, मैंने खुद ने भिन्नता पैदा की और मैं क्या हुआ, ज्योग्राफी में घुस गया। तो मैंने क्या किया, ये होता है अर्जित ज्ञान के आधार पर विभिन्नताएँ। एक होता है वंशानुक्रम जो जेनेटिक तरीके से चल रहा है, वंश के आधार पर चल रहा है, दूसरा होता है अर्जित ज्ञान के आधार पर जिसमें हमारा खुद का योगदान होता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कुछ लोगों में किस कोई अलग अलग कलाकारियाँ होती हैं, कोई लोग मकान बनाने में परफेक्ट होते हैं, कोई लोग खाना बनाने में परफेक्ट होते हैं, कुछ लोग सब्जी बनाने में परफेक्ट होते हैं, मतलब हर एक आदमी हर एक काम में परफेक्ट है। तो वो क्या है उसकी, वो उसकी दूसरे कैंडिडेट से विभिन्नताएँ हैं। आप में भी कुछ एक ऐसा टैलेंट होगा जो आपके जो फ्रेंडशिप सर्किल है उनमें सबसे अलग है, ये हर एक आदमी की खासियत होती है कि उसमें एक ऐसा टैलेंट होता है जो उसके जो रिलेटिव हैं या फिर दूसरे कैंडिडेट्स हैं उन सब में भिन्न है, उन सबसे अलग है। उसके बाद आता है जो विभिन्नताएँ हैं उनको अपन टॉपिक वाइज कर लेते हैं, क्या कि वंशानुक्रम और ये अर्जित आधार पर, यह मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया था, किस आधार पर, मुख्य आधार पर। अब अपन बात करते हैं पहला भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर एक मिनट,
व्यक्तिगत विभिन्नता के अन्य प्रकार। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की अन्य प्रकार जिसमें सबसे पहला होता है भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार में जैसे एक छोटे से एक एरिया से लेके और एक बड़े एरिया में कंपेयर कर सकते हो। हम लोग हिंदी बोलते हैं जबकि जो अमेरिकन होते हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, चाइनीज होते हैं जो चाइना के होते हैं जो चाइनीज भाषा बोलते हैं। ऐसे हर एक एरिया की अलग भाषा होती है। ये कंपेयर हम अपने लोकल एरिया में भी कर सकते हैं, जैसे राजस्थानी बोली, मतलब कि आपकी जो खुद की बोली है वो दूसरे जो एरिया है उसकी बोली से भिन्न है। जैसे मेरी बोली है तू के कर रहे हो चाहे दूसरे किसी, जैसे हरियाणा का कैंडिडेट है उसकी ये बोली अलग है, भरतपुर का है उसकी ये अलग है, साउथ में चले जाओगे तो वहाँ की बिल्कुल अलग है। तो ये क्या है, भाषा के आधार पर विभिन्नताएँ हैं कि मैं क्या वो जो बोल रहा हूँ, मेरी लैंग्वेज, मेरी जो लैंग्वेज शैली है भाषा है वो अलग है, दूसरे कैंडिडेट की अलग है, तीसरे की अलग है। उसके बाद आता है लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर विभिन्नताएं, स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग होता है और एक वो होते ही हैं जिनको अपन जो दोनों का मिक्स होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ये हम सब जानते हैं। उसके बाद तीसरा आता है बुद्धि के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, बुद्धि के आधार पर विभिन्नताएं, आप में पता नहीं कौन सा सब्जेक्ट का टैलेंट भरा हुआ है, मेरे में कौन से सब्जेक्ट का टैलेंट है। यदि सेम सब्जेक्ट है तो हो सकता है आप में किसी एक ऐसा टॉपिक हो जिसका आप में कूट कूट के टैलेंट भरा है और वो टॉपिक दूसरा टॉपिक मेरे में पता नहीं कौन से टॉपिक का टैलेंट भरा हुआ है। जैसे मेरे में जो क्लाइमेटोलॉजी है वो स्ट्रॉन्ग तरीके से आती है, मेरे को गजब तरीके से आती है। आपको फिजिकल ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग तरीके से आती है, किसी को प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग आता है, किसी को थॉट स्ट्रॉन्ग आता है, किसी को टीचिंग एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग तरीके से आता है। तो ये क्या है, बुद्धि के आधार पर है। परिवार व समुदाय के आधार पर, परिवार व समुदाय के आधार पर, देखो परिवार व समुदाय के आधार पर विभिन्नताएं होती हैं। परिवार व समुदाय के आधार पर कैसे, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं अपन। परिवार के आधार पर हर एक तरीके से कंपेयर कर सकते हो। जैसे अपन लोकल एरिया में करते हैं कि यार ये एसटी है, एससी है, ये भी एक व्यक्तिगत विभिन्नताएं हो गई जो परिवार के आधार पर हो रही है। एक कैंडिडेट है जो एसटी में पैदा हो रहा है, एक कैंडिडेट है जो जनरल में पैदा हो रहा है। एसटी वाला रिजर्वेशन ले रहा है, जनरल वाला कुछ नहीं ले रहा है। दूसरी साइड देखी जाए तो जो पहली की बात की जाए, यदि परंपरागत तरीके से देखा जाए तो जो जनरल के कैंडिडेट्स थे वो एक हायर तरीके से माने जाते थे, एक ऊंचे कद वाले माने जाते थे, एसटी वाले नीचे कद वाले माने जाते थे। ये क्या था, परिवार व समुदाय के आधार पर है कि आप कौन से परिवार में पैदा हो रहे हो, कौन से परिवार से बिलोंग करते हो, इनके आधार पर भी विभिन्नताएँ होती हैं। कुछ कुछ एग्जाम ऐसे कुछ अपवाद भी देखने को मिलते हैं कि कैसे कुछ कुछ एरिया जैसे होते हैं जहाँ पर जैसे पापा भी आतंकवादी है, उसका बेटा भी आतंकवादी हो गया, फिर उसका बेटा भी आतंकवादी हो, वो क्या है, वो उसके इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ रहा है। क्या हो रहा है, उसके इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये क्या है, उसका मेन इन्वायरमेंट क्या है, परिवार है। उसका बाद आता है जाति के आधार पर, जाति के आधार पर, जाति के आधार पर मैंने भी आपको बता दिया एसटी है, एससी है, ओबीसी है, जनरल है, ये चार जातियों के आधार पर विभिन्नताएं हैं। उसके बाद आता है संवेग के आधार पर, संवेग के आधार पर, देखो संवेग के आधार पर विभिन्नताएं क्या होती हैं। आपने बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स देखेंगे जो ऑलवेज एक्टिव रहते हैं, हर टाइम एक्टिव रहते हैं, और कुछ क्या होते हैं बिल्कुल उदास पड़े रहते हैं, आलसी रहते हैं, वो इतने आलसी रहते हैं कि उनको यार कोई भी काम के लिए बोलोगे तो वो ऐसे करेंगे, यार कौन करेगा वो। और कुछ लोग इतने एक्टिव रहते हैं, वो ऑलवेज एक्टिव रहते हैं, किसी काम के लिए मना नहीं करते, बिल्कुल ऐसे रहते हैं जैसे मतलब तुरंत करना है काम, और कुछ बिल्कुल आलसी रहते हैं। दूसरी साइड देखी जाए कुछ का जो स्वभाव होता है, बिहेवियर होता है, वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है, हर बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रहते हैं। और कुछ क्या रहते हैं, बहुत चिड़चिड़ाट के साथ रहते हैं, आप हर बात बोल रहे हो उसमें चिड़चिड़ाट कर रहे हैं वो, मतलब
संवेग के आधार पर क्या होता है कि कुछ तो बिल्कुल उदासीन रहते हैं, बिल्कुल अपनी मस्ती में पड़े हैं, उनको कोई किसी से कुछ मतलब नहीं है, बिल्कुल आलसी होके पड़े हैं, और कुछ क्या है बिल्कुल एक्टिव है, बिल्कुल सुपर एक्टिव है। तो ये क्या है, उनके संवेग के आधार पर विभिन्नताएं हैं, एक एक्टिव है दूसरा उदासीन है, एक नॉर्मल है बिहेवियर में, एक नॉर्मल है, दूसरा चिड़चिड़ापन है उसमें, हर बात में वो चिड़चिड़ाहट करता रहता है। उसके बाद आता है धार्मिक आधार पर, धार्मिक आधार पर विभिन्नताएं भी देख सकते हो आप, जैसे हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, ये सिख है, ये एक धार्मिक आधार पर विभिन्नताएं हैं जिसमें अलग अलग रूल्स बना दिए गए। जैसे हिंदू है उसके लिए भगवान है, मोमडन के लिए क्या है अल्लाह है। तो ये क्या है, ये धार्मिक आधार पर विभिन्नताएं हैं जिसमें अपना उनका एक अलग से रूल फॉलो कर रहे हैं। जैसे मोमडन लोग होते हैं वो थोड़ी दाढ़ी भी रखते हैं, ऊपर कैप लगा के रखते हैं सफ़ेद, हिंदू लोग ऐसा कुछ नहीं रखते, क्रिश्चियन कुछ अलग तरीके से रहते होंगे। तो यह क्या है, एक धार्मिक आधार पर विभिन्नताएं हैं। उसके बाद आता है शारीरिक विकास के आधार पर, शारीरिक विकास के आधार पर, शारीरिक विकास के आधार पर विभिन्नताएं कैसे होती हैं। देखो दो भाई हैं एक फैमिली में, जुड़ गए हैं दोनों के दोनों, तो जो दोनों में क्या है कि एक तो अच्छी तरीके से हष्ट पुष्ट बन गए, अच्छी तरीके से बॉडी वॉडी बन गई, और दूसरा क्या है बिल्कुल कमजोर सा है, वो क्या है उसका शारीरिक आधार पर विभिन्नता ही है। एक की हाइट 3 फीट है, एक की हाइट 6 फीट है, वो क्या है उसके शारीरिक आधार पर या शारीरिक विकास के आधार पर क्या है विभिन्नता ही है। एक मोटा हो गया, एक बिल्कुल पतला है, एक की हाइट ज़्यादा है, एक की हाइट कम है, ये सारे के सारे शारीरिक आधार पर विभिन्नता ही है। उसके बाद आता है अभिवृत्ति के आधार पर, आधार पर विभिन्नता। अभिवृत्ति के आधार पर विभिन्नता, देखो इन शब्द में बिल्कुल नॉर्मल शब्द यूज किया गया था, यहां पर एक अभिवृत्ति शब्द यूज किया गया है जिसको इंग्लिश में एटीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं एटीट्यूड, ये लिखने ना लिख लेना, अभिवृत्ति को इंग्लिश में एटीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको एटीट्यूड, क्या बोलते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड में क्या होता है, हर एक आदमी का दूसरे आदमी से एटीट्यूड भी अलग रहता है। कुछ लोग रहते हैं जो ऑलवेज एटीट्यूड में रहते हैं, यार मैं ये काम नहीं करूंगा नहीं करूंगा कुछ भी कर ले, तो वो क्या उनका एक एटीट्यूड है। किसी का किसी काम के प्रति एटीट्यूड है, किसी का किसी काम के प्रति एटीट्यूड है, कुछ लोग बोलने में एटीट्यूड दिखाते हैं। तो ये क्या है एटीट्यूड के आधार पर विभिन्नताएं, क्या एटीट्यूड के आधार पर विभिन्नताएं। कुछ लोग बोलने में एटीट्यूड दिखाते हैं, कुछ लोग चलने में एटीट्यूड दिखाते हैं, कुछ लोग किसी काम में एटीट्यूड दिखाते हैं, तो वो क्या है उनकी एक विभिन्नताएं हैं। आप सब में भी एक अपना एटीट्यूड होगा, हर एक आदमी में अपना एक एटीट्यूड होता है जो दूसरे आदमी से बिल्कुल अलग है। ये खुद आप अपने में और अपने किसी भी नियरिस्ट दोस्त में कंपेयर करके देख सकते हो, दोनों का जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल अलग रहेगा, बिल्कुल अलग रहेगा दोनों का एटीट्यूड। आप तीसरे दोस्त से कंपेयर करोगे तो उसका आपका एटीट्यूड भी अलग रहेगा, चौथे से कंपेयर करोगे उसका आपका एटीट्यूड भी अलग रहेगा, ये आप खुद अपने फ्रेंडशिप सर्कल में देख सकते हो। उसके बाद क्या होता है व्यक्तित्व, व्यक्तित्व के आधार पर, व्यक्तित्व के आधार पर। व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है पर्सनैलिटी होता है, क्या होता है पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व का मतलब होता है पर्सनैलिटी, अभिव्यक्ति का मतलब होता है एटीट्यूड, व्यक्तित्व का मतलब होता है पर्सनैलिटी। देखो ये भी आप अपनी फ्रेंडशिप सर्किल में देख सकते हो, कुछ लोग होते हैं उनकी पर्सनालिटी इतनी गजब रहती है, ऐसे लगते हैं यार ये पता नहीं कैसे खानदान से, बहुत अच्छे रईस खानदान से हैं,
कुछ लोगों की पर्सनालिटी इस तरीके से रहती है, वो दिखने में ऐसे लगते हैं यार ये भिखारी है, बिल्कुल नॉर्मल लोअर फैमिली से, क्या ये पर्सनालिटी है? मेरी पर्सनालिटी अलग है, आपकी पर्सनालिटी अलग है, आपके किसी दूसरे फ्रेंड्स की पर्सनालिटी अलग है। जो पर्सनालिटी है वो भी आप अपने फ्रेंडशिप सर्किल में कंपेयर कर सकते हो, हर एक दोस्त की अपने दूसरे दोस्त से बिल्कुल अलग मिलेगी, एटीट्यूड भी अलग मिलेगा, पर्सनालिटी भी अलग मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है गत्यात्मक कौशल के आधार। किसके आधार पर? गत्यात्मक कौशल। गत्यात्मक कौशल क्या होता है? गत्यात्मक का मतलब होता है कार्य करने की कुशलता, कार्य करने की कुशलता। गत्यात्मक कौशल क्या होता है? कार्य करने की कुशलता। अभिवर्ती एटीट्यूड, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी और गत्यात्मक कौशल का मतलब होता है कार्य करने का कुशलता, कार्य करने की कुशलता। जैसे हर आदमी की एक अच्छा अलग इच्छा होती है, जैसे मेरा टीचिंग में अच्छा रुचि है मेरी, तो मैं टीचिंग सही ढंग से करवा सकता हूँ, मेरी एक कुशलता है। कोई दूसरा फ्रेंड्स है जिसमें आप भी इंक्लूड हो सकते हो, आपकी रुचि है इंजीनियरिंग में, किसी दूसरे फ्रेंड्स की रुचि है मेडिकल लाइन में, इंजेक्शन लगाने में, किसी की डॉक्टर में, किसी की पुलिस लाइन में, ये क्या है उनकी? एक कार्य करने की कुशलता है। मेरी पढ़ाने की कुशलता है, आपकी हो सकता है इंजेक्शन लगाने में कुशलता हो, आपके किसी फ्रेंड की या मेरे किसी फ्रेंड की हो सकता है कि इंजीनियरिंग में कुशलता हो, मकान बनाने में कुशलता हो, किसी की सड़क बनाने में कुशलता हो, किसी की गाड़ी ड्राइविंग करने में कुशलता हो, किसी की स्विमिंग में कुशलता हो, किसी की फ्लाइंग में कुशलता हो। तो क्या होती है, हर एक आदमी की हर दूसरे आदमी से कुशलता भी अलग होती है। एटीट्यूड अपनी फ्रेंडशिप सर्किल में देख सकते हो, पर्सनैलिटी इसके बाद जो डिफरेंस है वो भी अपने फ्रेंडशिप सर्किल में देख सकते हो, और जो कार्य करने की कुशलता है वो भी अपने फ्रेंडशिप सर्किल में देख सकते हो। कार्य करने की कुशलता में ये तक होता है, टीचिंग बहुत सारे लोग करा रहे हैं, यूट्यूब पर 1000-2000 कैंडिडेट्स करा रहे हैं, पर हर एक आदमी का टीचिंग करवाने का जो तरीका है वो हर दूसरे आदमी से किसी न किसी आधार पर अलग है। हर एक आदमी का हर दूसरे से किसी न किसी आधार पर जो टीचिंग कराने का तरीका है वो अलग है। वो क्या है उसका जो अलग है? वो उसकी कुशलता है। क्या है? उसकी कुशलता है। उसके बाद आता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण। क्या व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण, मतलब ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं वो पैदा हो रही हैं। सबसे पहला होता है वंशानुक्रम। देखो वंशानुक्रम के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नताएं पैदा होती हैं। मैंने अभी बताया कुछ लोग बिल्कुल सफ़ेद कलर के रहते हैं, कुछ लोग अपने जैसे गेहूं कलर के होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं बिल्कुल ब्लैक कलर के होते हैं। वो क्या उनका वंशानुक्रम होता है। कुछ लोगों की हाइट बिल्कुल वंश से छोटी चली आ रही होती है कि दादा की भी हाइट कम, पापा की भी हाइट कम, और खुद की भी हाइट कम, और उनके बच्चों की भी हाइट कम। कुछ लोगों का वंशानुक्रम कैसे चलता है, दादा की हाइट ज़्यादा, पापा की हाइट ज़्यादा, खुद की हाइट ज़्यादा, और खुद के बच्चों की भी हाइट ज़्यादा। ये क्या है, उनके वंशानुक्रम के आधार पर दूसरे कैंडिडेट से विभिन्नताएं पैदा हुई हैं। दूसरा आता है वातावरण या परिवेश के आधार पर। वातावरण या परिवेश के आधार पर, वातावरण या परिवेश के आधार पर भी विभिन्नताएं होती हैं। जब हम बचपन में थे तो हमारे माँ बाप बोलते थे कि जिस एनवायरनमेंट में आप रहोगे उसी तरीके का आप खुद बनोगे। कि एक कोई भी एक एग्जांपल देते थे कि काले के पास बैठोगे तो कुछ ना कुछ तो आपके भी कालापन लगेगा। यदि आप किसी काली वस्तु के पास बैठोगे तो आपके कुछ ना कुछ कालापन लगेगा।
तो वो क्या था, वातावरण का इफेक्ट था। वातावरण में क्या होता है कि यदि आप का जो फ्रेंडशिप सर्किल है वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट कैंडिडेट्स में, तो आप क्या होगे, आप भी इंटेलिजेंट बनोगे, आपका जो इन्वायरमेंट है वो इंटेलिजेंसी का है। एक ये भी दे सकते हो, बहुत से लोग ड्रिंकिंग करते हैं, दारू पीते हैं, तो उनका क्या है, उनका जो इन्वायरमेंट है वो सारा का सारा ही ड्रिंकिंग का है। किसका है, ड्रिंकिंग करने वालों का है, दारू पीने वालों का है, सिगरेट पीने वालों का देख लो, 8-10 कैंडिडेट्स एक जगह हैं, सारे सारे सिगरेट पी रहे हैं, वो उसको उधर है, वो उसके उधर है, वो उसके उधर है, 8-10 चाय पीने वाले हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं, यार चाय तू भी पी, तू भी पी। जूस पीने वाले हैं, वो भी ऐसे ही कर रहे हैं। लोफर ऐसे मारपीट करने वाले हैं, कुछ लोग रहते हैं जिनका काम होता है बस लड़ाई झगड़ा करना, वो क्या है, उनका इन्वायरमेंट है। आप जैसे इन्वायरमेंट में रहोगे वैसा ही आपके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा, वो 100% प्रभाव पड़ेगा। तो वातावरण से भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पैदा होती हैं। जैसे आप एक सिगरेट पीने वालों में रह रहे हो, तो क्या है, आप सिगरेट पी रहे हो, आपका इन्वायरमेंट 20 दोस्त आपके वो सभी के सभी सिगरेट पी रहे हैं, आप भी पीना स्टार्ट कर दिए। आप क्यों करें, क्योंकि आपकी जो फ्रेंडशिप सर्किल थी वो सिगरेट पीने वाली थी, आपका जो इन्वायरमेंट था वो सिगरेट पीने वाला था और आप सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिए, तो आपका जो विभिन्नताएँ हैं उन लोगों से आप भिन्न हो गए जो सिगरेट नहीं पीते हैं। उसका आपका क्या कारण है, आपका वातावरण है, आपकी जो फ्रेंडशिप सर्किल है उसकी वजह से आपने सिगरेट पीना स्टार्ट किया है। उसके बाद तीसरा आता है आयु एवं वृद्धि के आधार पर, आयु एवं वृद्धि के आधार पर, वृद्धि के कारण, आयु एवं वृद्धि के कारण क्या होता है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी बिल्कुल उसी तरीके से आपका मानसिक, शारीरिक और चारित्रिक तीनों के तीनों विकास होते जाएंगे, तीनों को तीनों का विकास होता जाएगा। आपका मेंटली डेवलपमेंट भी होता रहेगा, आपका फिजिकली डेवलपमेंट भी होगा जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी। एक छोटा बच्चा है वो एक छोटी सी चीज़ के लिए रोने लग जाता है, रोने लग जाता है, और एक जब आपका एज ज़्यादा हो जाती है, प्रेजेंट टाइम में आप किसी भी चीज़ के लिए रोओगे नहीं। बचपन में क्या करते थे अपन, एक छोटी सी चीज़ के लिए, 1-2 रुपए की टॉफी के लिए रोने लग जाते थे। क्या आज 2 रुपए की टॉफी के लिए रोते हैं हम, बिल्कुल नहीं। 100 रुपए की टॉफी के लिए भी नहीं रोते, यहाँ तक कि 1000-2000 की टॉफी के लिए या 1000-2000 रुपए के लिए भी हम नहीं रोते, और बचपन में 2 रुपए की टॉफी के लिए रोने लग जाते थे। वो क्या हुआ, हमारी आयु एज बढ़ी हमारी, और हम उनसे क्या हुआ, हमारी जो मेंटली जो सोच थी, अपना जो मेंटली जो मानसिक था उसका विकास हुआ, अपनी मानसिकता का विकास हुआ। बच्चे थे तब क्या करते थे, कै पढ़ने भी ऐसे जोर जोर के पढ़ते थे, कै खै कख गए या गया, इस तरीके से पढ़ते थे, और आज बिल्कुल धड़ाका से पढ़ रहे हैं सारे सारे शब्द। तो ये क्या हुआ, हमारा विकास हुआ। तो एज के अकॉर्डिंग हमारा मेंटली और फिजिकली दोनों को दोनों डेवलपमेंट होते हैं। आप ये कंपेयर खुद में कर सकते हो कि जब आप बच्चे थे और जब आज आप खुद प्रेजेंट टाइम में हो, आपके बचपन में और प्रेजेंट में कंपेयर करोगे तो बहुत सारी विभिन्नताएँ मिलेंगी। अब ये विभिन्नताएँ क्या हैं, जो आज बच्चे हैं आपके बच्चे हैं, बस सपोज डैट किसी के होंगे बच्चे, आपके बच्चों में और आप में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। उसके बाद आता है डी, परिपक्वता। ये भी क्या होती है, परिपक्वता भी क्या होती है, वो एज के अकॉर्डिंग ही बढ़ती जाती है। आप स्टार्टिंग में, हम सब हर एक काम में अपरिपक्व होते हैं, क्या होते हैं, हर किसी एक काम में अपरिपक्व होते हैं, लेकिन जब हम वो काम निरंतर रेगुलर करते रहते हैं तो उस काम में हम परिपक्व हो जाते हैं। फर्स्ट में जब मैं फर्स्ट वीडियो बनाया था तो उसमें मैं अपरिपक्व था, मेरे को डर लगता था पढ़ाने से, हेजिटेशन थी, बोलने कुछ जा रहा था, बोल कुछ पा रहा था, हैंड राइटिंग भी सही नहीं आ रही थी, समझा भी सही नहीं ढंग से पा रहा था, तब मैं अपरिपक्व था। इस वीडियो में मैं परिपक्व हो गया, मैं एक हर बात को आपको सही ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हैंड राइटिंग भी सही लिख रहा हूँ, तो क्या हुआ, मैं परिपक्व हो गया। उसके बाद होता है ई, लैंगिक विभिन्नताएँ, लैंगिक विभिन्नताएं, लैंगिक विभिन्नताएं हैं, वो भी एक व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण है। जैसे मैं हूँ, मेरी सिस्टर है, आप हो, आपकी वाइफ है, तो क्या है, फीमेल और मेल दोनों में जो डिफरेंस है, फीमेल और मेल में जो डिफरेंस है वो क्या है, एक व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण है। यदि मेल और फीमेल में डिफरेंस नहीं होता तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती, बट वहाँ डिफरेंस हुआ,
और उसका कारण है व्यक्तिगत, जो कारण है व्यक्तिगत विभिन्नताएं का। तो जो लैंगिक विभिन्नता है वो भी एक व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है। उसके बाद आता है एफ, प्रजाति एवं राष्ट्रीयता। प्रजाति एवं राष्ट्रीयता, प्रजाति एवं राष्ट्रीयता यह भी व्यक्तिगत भिन्नताओं का एक कारण है। प्रजाति क्या होती है? प्रेजेंट टाइम में बहुत सारी जनजातियाँ ऐसी हैं जो आदमियों से डरती हैं, बिल्कुल नग्गे घूमते हैं। जैसे एस्किमो जनजाति है, वो लोग बिल्कुल नग्गे रहते हैं, वो कपड़े नहीं पहनते। और भी बहुत सारी जनजातियाँ हैं जो बिल्कुल जंगलों में रहते हैं, उनका काम होता है केवल मांस शिकार करना और खाना। उनका ये प्रजाति के आधार पर बन रहा है वो। एस्किमो जनजाति के लोग पैदा हो रहे हैं, वो नग्गे घूम रहे हैं, उनका काम है शिकार करो और खाओ। और अपना काम क्या है? एक सही ढंग से पूरे शरीर को ढक के रखना, कपड़े पहनना और एक शिकार न करके एक सही ढंग से कमा के और खाना। दूसरा होता है राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता के आधार पर भिन्नता क्या होती है? जैसे मोमडन है और हमें, मोमडन और हिंदू, पाकिस्तान और भारत, ये राष्ट्रीयता के आधार पर भिन्नता है। पाकिस्तान के लोग, कोई भी कैंडिडेट पाकिस्तान में पैदा हुआ तो उसकी क्या हुई, उसकी जो फीलिंग थी वो इंडिया के विरुद्ध हो गई। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये करेक्ट बात नहीं है, बाकी एक एग्जांपल है कि जो हिंदू, जैसे हम हिंदुस्तान में पैदा हुए तो हमें क्या हुआ, हमारी पाकिस्तान के साथ थोड़ी सी नफरत पैदा हो गई। पाकिस्तान में जो कोई पैदा हुआ उसकी हिंदुस्तान के प्रति थोड़ी सी नफरत पैदा हो गई, क्योंकि दोनों में आपस में विरोध है, एक दूसरे से दोनों नफरत करते हैं। वो क्या हुआ, जो वो व्यक्तिगत भिन्नता है वो राष्ट्रीयता के आधार पर है। उसके बाद आता है शिक्षा के आधार पर। शिक्षा के आधार पर विभिन्नता है। शिक्षा के आधार पर विभिन्नता एक सबसे बड़ा कारण है, हर जगह देखा जा रहा है। कुछ लोग डॉक्टर बन रहे हैं, कुछ लोग इंजीनियर बन रहे हैं, कुछ पुलिस में जा रहे हैं, कोई कलेक्टर बन रहे हैं। क्या है ये? शिक्षा के आधार पर विभिन्नताएं हैं। तो दोस्तों, इसके साथ मेरा ये लेक्चर ख़त्म हुआ। यदि मेरे को मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मेरे को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। साथ ही साथ मैं इन सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी साथ के साथ चला रखा हूँ, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो और देख सकते हो, फ्री, बिल्कुल फ्री है सब कुछ। इसकी पीडीएफ लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके और पीडीएफ लेने का जो तरीका है वो फॉलो कर सकते हो। और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स देखने के लिए, बाय।